रतन टाटा जी सही मायनों में भारत के नौ रत्नों में से एक थे। भारत ने वो रत्न खोया है जो गरीब मजदूर असहायों की मदद करते थे। अभी रतन टाटा जी का जो निधन हुआ है, इससे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी इकोनॉमी, मतलब अगर इंडिया में अपन बात करें तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके जीवन से हमको सीखना चाहिए कि बहुत ऑनेस्टी उनने जीवन बिताया है और अपना कर्मठशीलता होने के होते हुए उनने जीवन निर्वाह करा। अपना जो सहयोग उनने देश को दिया है उससे हम युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। आज देश में बहुत ही बड़ा रत्न खो दिया है। भारत देश में एक ही रतन टाटा था, वो आजीवन उनके काम, उनकी शख्सियत हमेशा हमारे बीच में उपस्थित रहेगी। उन्होंने जो भी बिल्ड किया है वो भारत देश के लिए किया है, जो भी काम किया उन्होंने भारत के लिए किया है। उनको निश्चित तौर पर सरकार को इसमें मंथन करना चाहिए और उनको भारत रत्न जैसा। देखिए, राजधानी भोपाल में खड़े हैं हम और कल बीती रात एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। पूरे भारतवर्ष नमन कर रहा है रतन, भारत के रतन रतन टाटा को, जिनके कल मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है। और बड़े उद्योगपति माने जाते थे, बहुत दानवीर माने जाते थे और कोरोना काल के समय में उन्होंने इतने लोगों की मदद की है कि क्या ही कहें। और पूरा विश्व इस समय उनको नमन कर रहा है और भारत के असली में वो भारत रत्न थे। इसी को लेकर आइए बात करेंगे। रतन जी की हर समाज में, मतलब हर व्यक्ति में उनकी चर्चे थे, उनको पसंद किया जाता था। रतन जी के प्रति लोगों का प्यार दिन पर दिन बढ़ता गया। इसी को लेकर बात करेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं। मैं ऋषि लिखता हूँ, रतन टाटा जी सही मायनों में भारत के नौ रत्नों में से एक थे। इस तरीके से नौ रत्न कंपनियां हैं, उसी तरह उद्योगपतियों में भी उनका नाम बहुत ही आदर सम्मान के साथ दिया जाता है। आज देश में बहुत ही बड़ा रत्न खो दिया है, इनकी कमी की पूर्ति कभी हम कर नहीं सकते। क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व भी ऐसा था कि जो युवा उद्योगपति हैं उनसे सीख लेना चाहिए उनको, क्योंकि उन जैसे जो सिद्धांत और मूल्यों पर चलने वाले उद्योगपति मुझे नहीं लगता कि अभी देश के अंदर उनकी जो एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे भविष्य में। आशा ऐसे युवाओं को उनसे सबक लेना चाहिए और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, पूरा देश स्तब्ध है उनके स्वास्थ्य से। क्योंकि दो दिन पहले ही उनने बोला था, मैं स्वस्थ हूँ, देशवासी चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था, जिस मतलब जिसका अंत आया, जिसने जन्म लिया उसका अंत तो निश्चित है, लेकिन उनकी कभी देश में कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और मैं तो अपूर्णीय क्षति है, और मैं तो ये भी चाहूँगा कि भारत सरकार उनको भारत रत्न दे, जिससे सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। बिल्कुल, आपने भारत रत्न की बात की और लोग भी इसकी मांग कर रहे। भारत सरकार उनको भारत रत्न दे, क्योंकि असली रत्न तो यही है ना, तो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी तो दिल से कामना है। भारत ने वो रत्न खोया है जो गरीब मजदूर असहायों की मदद करते थे। ऐसे महान विभूति को के लिए मैं ओम शांति करता हूँ, ओम शांति बोलता हूँ। भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए। साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है, क्या बोलेंगे। मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनके जीवन से हमको सीखना चाहिए कि बहुत ऑनेस्टी उनने जीवन बिताया है और अपना कर्मठशीलता होने के होते हुए उनने जीवन निर्वाह करा। अपना जो सहयोग उनने देश को दिया है उससे हम युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए कि जो युवाओं को उनने काम करना सिखाया है कि किस तरीके से एक सर होकर काम करते थे वो, उनने देश को, मतलब हमारे देश को एक बहुत बड़ी अपूर्ण क्षति तो हुई है क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी एक महान आत्मा को खो दिया है। देखिए, इसमें तो हम अब उसको पूर्ण रूप से सहमत है कि उनको कॉरपोरेट सेक्टर का फादर कहा जाता था। उनके आने से बहुत विज्ञापितें आई हैं। इंडिया में कॉरपोरेट को लाने वाले ही वही लोग हैं जो अपने जीवन काल में, जिनने उद्योगपति होने के बावजूद हमारे देश का नाम पूरे डंके की चोट पर पूरे विश्व में बजाया है। अच्छा, कोई अगर एक ऐसा इंस्टेंट शेयर करना चाहें जिससे आपकी लाइफ, मतलब आपके सोचने का तरीका, उनको देखने का तरीका चेंज हुआ हो, पर्सपेक्टिव। मैं स्कूल टाइम पर जब उनके बारे में पढ़ता था तब मेरे को सिर्फ उनका नाम पता था, कहाँ से हैं वो, किस ज़िले से हैं, कहाँ पे उनका बर्थ हुआ ये। जब मैंने उनके बारे में जाना, उनकी जीवन कथा को समझा, तब ये पता चला कि उनके जैसा जुझारू और कर्मठशील होना बहुत ज़रूरी है। वैसे इंसान हमें पाने से भी नहीं मिलते। मैं वीरेंद्र बलाव। रतन टाटा का भारत से जाना कितनी बड़ी घटना है। देखिए, इसमें तो ये है कि अभी रतन टाटा जी का जो निधन हुआ है, इससे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी इकोनॉमी, मतलब अगर इंडिया में अपन बात करें तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने देश की इकोनॉमी में। आज वो उनका नुकसान हुआ है। कंपनी में देखने वाले और भी लोग हैं, पर एक जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उनकी बात अलग होती है। हाँ बिल्कुल, इसमें
नो डाउट कि एक बहुत ही भारत रत्न वैसे भी रहे हैं वो, तो इस हिसाब से तो बहुत बड़ा नुकसान है भारत के लिए और इकोनॉमी के सबसे बड़ा असर होगा इसका, बहुत बड़ा है। बिल्कुल इकोनॉमी पे असर होगा, तो हर चीज़ पे, जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें सभी पे असर होगा। बिजनेस में भी काफ़ी इस पर शायद नुकसान भी हो सकती है कुछ चीज़ों में। अपन तो इतना कह सकते हैं कि हाँ, आज के लिए जो बहुत ही नुकसान जो हुआ है और दुखद पल है ये हमारे। क्या नाम लिखते हैं? अभिषेक द्विवेदी। रतन टाटा जी की कल मुंबई में मृत्यु हुई है, निधन हो गया, कितनी बड़ी घटना मानी है? यह निश्चित तौर पे भारत देश के लिए बहुत बड़ी घटना है। रतन टाटा जी भारत के लिए एक ऐसे अनमोल थे जिन्होंने भारत की जीडीपी तथा देश विदेश में भारतीय उद्योग को एक अलग पहचान दिलाई थी। वो एक डिसीजन मेकर थे, डिसीजन उनका मतलब ऐसा रहता था, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे बड़े आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे सरकार हो, चाहे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्स देते थे। कोई भी मेडल, ओलंपिक मेडल आता था, उनको प्राइज देना, कार गिफ्ट करना या गरीबों की मदद करना, वो डाउन टू अर्थ थे। वो अपनी जमीन से जुड़े थे। और अगर भारत देश को ऐसे रत्न अब दोबारा नहीं मिल पाएंगे, भारत देश में एक ही रतन टाटा था, वो आजीवन उनके काम, उनकी शख्सियत हमेशा हमारे बीच में उपस्थित रहेगी। अच्छा। देखिए ना, वो कभी वैवाहिक नहीं थे वो, कि मतलब वो घर परिवार वाले थे, उन्होंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए संपत्ति कमाई, उन्होंने जो भी बिल्ड किया है वो भारत देश के लिए किया है, जो भी काम किया उन्होंने भारत के लिए किया है। उनको निश्चित तौर पर सरकार को इसमें मंथन करना चाहिए और उनको भारत रत्न जैसा, उनके बारे में मुझे ये लगता है आदमी को अपना समय कभी नहीं भूलना चाहिए, आप कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाओ। रतन टाटा जी का जो देहांत हुआ है, इस देहांत से देश को और पूरे विश्व को मुझे ऐसा लगता है बहुत क्षति पहुंची है। मेरा मन खुद दुख है, मेरे परिवारों का मन खुद दुख है, आहत है, बेचैन है कि वो व्यक्ति इतनी महान शख्सियत है कि मैं उनसे प्रेरणा लेता था, परिवार प्रेरणा लेता था, पूरा भारत देश के युवा जो है वो उनसे प्रेरणा लेते थे। लेकिन मन आज बहुत दुखी है उनके निधन से, और उद्योग क्षेत्र को भी बहुत बड़ा झटका पहुंचा है, उनके शेयर्स काफ़ी हाई जा, तो ये बहुत बड़ी, मेरे मायने में बहुत बड़ी क्षति है भारत देश को। उनका जो आइडियोलॉजी थी बिजनेस को लेके वो अलग अद्भुत थी। तो विश्व के इतने बड़े व्यक्ति थे, इतना धन था उनके पास, लेकिन इतना धन होने के बावजूद भी वो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। युवाओं की मांग है उन्हें देना चाहिए भारत रत्न को, कि उनने भारत देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं और बहुत भारत देश को बहुत विकसित भी किया है अलग अलग क्षेत्रों में, तो भारत रत्न तो उनको मिलना चाहिए।